जा चुके हैं एक और अपन गेम प्ले वीडियो में, जिसमें आते हैं हम ओल्ड बेसन अपनी स्क्वाड के साथ, जो कि हमारी स्क्वाड थोड़ी ज्यादा प्रो है, जिसको आज एक स्क्वाड वाले बंदे मतलब छेक छेक के मार रहे थे, हाथ धो के नहा धो के एकदम गंगा जल में स्नान करके पीछे पड़ गए थे। अब गाइस देखो एक बंदा हमारे टीममेट को दौड़ाता दौड़ाता हुआ ऐसे दौड़ा रहा जैसे उसकी इज्जत ही नहीं है कोई। फिलहाल तो गाइस हमने सोचा कोई बात नहीं, लेके आ तो हम मार देते उसको। अबे आया आया आया, बस तू तुम्हारी भैंस की पूछ रहे थे कि मुझ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टीममेट को दौड़ाने की। अबे ससुरी का दूसरा भी एकदम हमारे टीममेट को ही चपेटने में लगा है। मतलब गाइस दो बंद निगमा एक्स गेमिंग भैया गेमिंग वाले बंदे को मार दिया। अब ससुरा एक सांप बन के भी हमारे टीममेट को मार रहा, मतलब मजाक लगा रखा भाई टीममेट को ही मार लो। हाँ गाइस अब हमने तीन तीन बंदे नॉक तो कर दिए हैं, हम सोच रहे कि गाइस क्या होगा हमारा, मतलब सोचो तुम क्या होगा, क्योंकि एमओ तो खत्म हो गई। अब एमओ खत्म हो गई तो गाइस इसका टीममेट भी हमारे पीछे पड़ गया, तो हमारा हो गया दिमाग खराब। तो हमने सोचा पहले जाते हैं और एमओ लूट कर आते हैं। गाइस इतनी देर में भैया हमारे पूरे स्किल मतलब रिवाइव हो गए, क्या हो गया पता नहीं चला, एक ही किल गिला ससुरी का। लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, तो उसकी भड़ास बोट पे निकाली जाएगी, क्योंकि 1v3 क्लच किया जाएगा वो भी बोट के साथ, ऐसी वैसी बात थोड़ी है। लेकिन एमओ थोड़ी कमीशन है इसलिए इनको फिनिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिनिश करने में यार एमओ खत्म होती है। तो गाइस हम सोच रहे थे जा रहे थे थोड़ा बहुत आगे, तभी गाइस चिंगमंडी का हमको मिस कॉल आता है, हम कह रुक जा बेटा चिंगमंडी आते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि गाइस क्लच भी तो करना है यार 1v3। तो गाइस हमने यहां पे 1v3 क्लच किया, अपना थोड़ा बदला लिया, जिसके बाद होता है ऊपर बंदा जो कि हमको बुला रहा था, आबा अभी तू आबा, अभी तुम जब तुम्हारे घर आ रहे हैं तो तुम लेट के स्वागत करोगे, मतलब गलत बात है ना, गलत मैनर्स बब्बर, गलत मैनर्स, तुमको तो सब मतलब भगवान के पास पहुंचाना जरूरी है। अबे यार मतलब मेहमान है तो रोज तो स्वागत किया करो, मतलब उठ खड़े होके आओ भैया ऐसा कैसा करके। तो गाइस पता नहीं भैया इसका टीममेट मतलब बॉट फायर देके फिर रिलोड काहे कर रहा है, तुम मतलब मजाक लगा रखा, जब तुमने दो गोली फायर की तो उसके बाद रिलोड करने की का जरूरत है बबगा। उसके बाद गाइस अभी थोड़ा आगे काहे की एक चिमकंडी पता नहीं साला जब से रिसोर्स पैक हटाया है तब से पता नहीं चलता कौन रियल प्लेयर है कौन बॉट प्लेयर है, वो बॉट प्लेयर के चक्कर में मतलब मर भी जाते कभी कभी। तो छोड़ो गाइस, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, सॉरी ट्रैक को छोड़ देते। अबे जो बंदा हमने जिसको नॉक किया था पहले कुबरा सांप का बच्चा है वो ही हमको फिर से मिला। हमने कहा बिटको तुम अभी भी हो यहीं पे, मतलब रिवाइव कब हो गए तुम, मतलब कुबरा कुबरा मतलब जहरीले सांप। अब गाइस जिसके बाद तो हमको एक जहरीली रानन भी मिलती है जो कि मतलब नीचे है, हमने कहा रुक जाओ तुम भी मरोगी बिल्कुल मरोगी, तो ये हमने मार दिया। फिलहाल तो गाइस जब इसको मार के बाद एक बार हमको मतलब घर से बार बार निकल रहे हो यार ऐसा कैसा। अब गाइस इसके बाद हमने सोचा सलमान खान बनते हैं थोड़ा बहुत, मतलब अब गाइस हम जैसे ही सलमान खान बने तभी का देखत भैया प्रीति पाल उड़ गई, मतलब यार क्या हो गया बे, हम टीम अप कर लेते बे यार, मतलब हमारे साथ ऐसा काहे होता, अब पता नहीं चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मी सिंह चलो कोई बात नहीं, जो हमने दोनों जोड़ों को मतलब उड़ा दिया है। उसके बाद आ जाते हैं अपन यहाँ पे, काहे की चिमकैंडी हमारे ही सामने बैठा था, लेकिन जैसे ही हम नॉक करते हैं तो हमको पता चलता है चिमकैंडी नहीं था बब गई तो रियल प्लेयर था। तो जैसे ही हमने एक बंदे को नॉक किया हमका दूसरा बंदा भी यहीं पे होगा, तो दूसरा बंदा भी आया था हमने इसको भी नॉक कर दिया। अब हम सोच रहे थे कि अगर हमारी मौत से पहले हम किसी को फिनिश कर पाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता, क्योंकि जैसी सिचुएशन में हम कभी भी मर सकते। लेकिन तभी हमने कहा जो पशुरी सब साला बंदे मतलब इसकी गन सिंगल टैप पे हो गई है तुम्हारी, अब जितना जिसको पता चलता है उसने गन स्विच करके मार दिया बे हमको।